चल बोलिए। ओके, हमारे साथ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रिप्लाई के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पर तीखी हमला किए, उसके बाद आप लोगों ने बायकॉट किया। देखिए, उन्होंने हम ये चाहते थे और सबकी अपेक्षा रहती है कि प्रेसिडेंट के भाषण पर जब वो अभिनंदन देते करते हैं उनका, तो उसमें जो जो बातें हमने रखी थी उन बातों का रिप्लाई आना चाहिए था, उन बातों में उस बातों का स्पष्टीकरण होना था। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात किए थे, हम इन्फ्लेशन की बात किए थे, इनका सेकेंड वेव में कोविड का फेल्यूअर था इस पे बात किए थे, इकोनॉमिक फेल्यूअर्स पे बात किए थे, और इतने और चाइनीज़ का जो एग्रेशन था उसके बाद बात किए थे। तो ये सब छोड़ दिए इश्यूज़, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर अटैक करना, कांग्रेस ख़त्म हो रही है, कांग्रेस को ख़त्म करना चाहिए था, गांधी जी जो बोले थे, और ये परिवार है, परिवारवाद से ये चल रहा है। अरे, उनको इतना भी मालूम नहीं गांधी परिवार का कौन नेता प्राइम मिनिस्टर बना 89 के बाद, आप बोलिए। फिर भी अब सिर्फ कांग्रेस को गाल, क्योंकि उनको अभी भी अगर थ्रेट है तो कांग्रेस को है, उसी लिए वो कांग्रेस को ख़त्म करने की बात और एक लोगों में कांग्रेस के खिलाफ वातावरण तैयार करने का काम वो कर रहे हैं। और पांच राज्यों में जो चुनाव है वो चुनावी भाषण वो यहाँ कर रहे हैं, वहाँ हर स्टेट में जाके करने के बजाय यहाँ करके वो संदेश भेजना चाहते हैं, ना कि वो राष्ट्रपति के भाषण पे रिप्लाई दे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।